अब आपके शहर गाजियाबाद में खुल गया नेशनल स्टील रैक, जहां पर मिलेंगे सभी प्रकार के फैंसी रैक, डिस्प्ले रैक, स्लॉटेड रैक, हैवी ड्यूटी रैक, ऑल टेक रैक, पायलट रैक, जो हर समय तैयार मिलते हैं। हम मार्ट बाजार भी बनाकर देते हैं, कृपया एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। चिनाई का कार्य करा रहे लोगों पर दिन दहाड़े हथियारों से लैस होकर दबंगों ने चलाई गोली। जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र भोजपुर के ग्राम भोजपुर का एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर अपने घर में चिनाई का कार्य करा रहे आश मोहम्मद पुत्र इंसाद पर गांव के ही कुछ दबंग युवकों अखिल पुत्र हरेंद्र, राठी रोहित पुत्र अधीरज, अभिकांत पुत्र पिंटू, विकास उर्फ डॉन पुत्र सुभाष, सागर पुत्र विजेंद्र निवासी ग्राम भोजपुर एवं मनीष उर्फ दया पुत्र दयाराम निवासी ग्राम ईशापुर ने अचानक हमला कर दिया। लाठी डंडों व चाकू तमंचों से लैस होकर आए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की नियत से अखिल पुत्र हरेंद्र ने तमंचे से फायर कर दी, जिससे आसमत पुत्र इंसाद बाल बाल बचे और घर में छुपकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। जब युवक भागने लगे तो गोली की आवाज सुनकर गांव के लोग आसिफ मोहम्मद के घर की तरफ भागे। पब्लिक को देखकर चार युवकों ने तो भागकर अपनी जान बचाई, मगर दो लोगों को ग्रामीणों ने दबोच लिया, जिसमें दो युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं थाना प्रभारी शीलेंद्र सिंह ने बताया कि हमलावरों में पहले से ही थाने के कुछ हिस्ट्री सीटर हैं, बाकी लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। केटी लाइव न्यूज के लिए हसन खान की रिपोर्ट। तो उन्होंने मतलब ऐसे लंबे लंबे डंडे से लेकर भागे जो तो ये बच्चे जो भाग कर घर में घुस गए, एकदम से अंदर घुस गए तो डर गए। फिर उन्होंने आकर ऐसी गोली चलाई है, आकर मतलब इतना गोली चलाई है, तीन चार पाँच छः फैट करी उन्होंने, एक तो लग भी गई है। रुपक नु चला रहे हमारे तो सैटरिंग वाले ऊपर, सैटरिंग वालों की वजह से मतलब ऊपर चला रहे गोली, इतने इनका लग जा रहा और वे तो भाग गए, फिर गाड़ी लेकर बाद में भाग गए चले गए, ये भी नहीं रुका। वो तो मतलब भागे, एक तो सिर फाड़ के भागा है, उसका सिर में मार के भागा है, पता नहीं फटा है सिर क्यों भागा ऐसा। मैं तो यहीं पे खड़ी हुई उस टाइम मौके पर, जब गोलियां चली हैं तो गोली चलते के साथ मैं तो एकदम से बाउली सी बन गई, मैं तो भाग ली, मेरे बच्चे मार लिए, इतनी बुरी तरह से पागल सी होगी मैं तो बस। फिर मतलब गोली बकरे बुरी तरह से इसमें गेट में लात मार कर अंदर घुस गया, लड़की है कि हाँ लड़के बच्चे तो है ना है बच्चे, फिर हो गई इधर निशान हो रहा है तो पुलिस वाले ने फिर भी आगे निकल गया है, मतलब ये टैल पूरी क्यों नहीं टूटी। अरे भैया जहाँ पर भी मतलब कोई चीज़ है तो मारेंगे तो वहीं से तो निशान होगा, क्या पूरी टूटी गिर जाती उसी की पूरी टूटी गिर जाती। हाँ मोहम्मद है जी, क्या हुआ, क्या घटना घटी? वहाँ घटना क्या, हम तो अंदर खाना खा रहे थे, जब लूट का टाइम था, काम चल रहा घर पे हमारी पे, और हम उसके मसले के लिए बाहर खड़े थे गेट पे, कुछ हम ऊपर चले गए कुछ नीचे आए, पता नहीं ये कहाँ से बदमाश आए, पाँच छः दो मोटरसाइकिल, पाँच छः बदमाश आए और आते रोड सीधी फायरिंग करी गेट पे। हमारी वाइफ खड़ी थी, हमारे भाई की वाइफ खड़ी थी और छोटे बच्चे थे, उन्होंने सीधी फायरिंग करी, वो उन्होंने गेट बंद करा और अंदर हो गए और ये गाली गलौज पकड़े, बुलाओ कहाँ तुम्हारे हरामजादे, कहाँ हमारा सबको मारने आए हैं हम वहाँ। इसके बाद पब्लिक इकट्ठी होगी वहाँ तो पब्लिक ने कुछ तो भाग गए, एक दो को पकड़ लिया। आप पहचानते हो? हम तो एक को पहचानते, पकड़ा है, और राठी है, राठी के नाम से मशहूर है, अखिल राठी के नाम से मशहूर है गाँव में, दबंग आदमी है तो 24 घंटे झगड़ा करते रहता, अभी एक हफ्ते पहले छुटका था जेल से। सभी लोग उसी के साथ? हाँ सब उसके साथ, पूरा गैंग है, पूरा गैंग है, जो है कई बार कभी किसी को पकड़ लिया पीट देते हैं तो कोई क्या करे, मजबूर आदमी है, अभी ये घर पर जब आगे तो घर पर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो पब्लिक इकट्ठी हुई घर पर, गाँव तो गाँव ही होता है ना, पब्लिक इकट्ठी हुई, फायरिंग आवाज सुन कर गए, सबने कुछ भाग गया, कुछ पकड़ लिया उन्होंने और उन्हें पकड़े, एक को पुलिस के हवाले कर दिया। अब आप क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हो, जो है ऊपर से ऊपर जो करेगा ये करेंगे, यही करेंगे, प्रशासन जो करेगा उनकी इच्छा है, क्या करना उन्हें क्या नहीं करना, हम तो ये चाहते हैं कि इनकी को सजा मिला करने की, यानी कल को आज हमारे घर पर है, कल किसी और के भाई के मारेंगे गोली, इसलिए ऐसा सुनने मारा कि अब से पहले भी इन्होंने हमले किए गाँव में। अब से पहले भी एक दो साल पहले किया, होली वाले दिन पब्लिक को कही गया सिर्फ फोड़ का आए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, कि झगड़े की वजह त्यौहार का दिन है, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब लगा के अभी कल एक हफ्ता पहले एक बच्चे का सिर फोड़ दिया, उसमें भी जेल से आए हैं छुट करके एक हफ्ता पहले ही, पहले का देख का पैसा है अंकित राठी, अकेले राठी का। तो ये आपका नाम? मेरा नाम आरिफ पवार है जी, मैं गाँव भोजपुर से ही हूँ। क्या घटना हुई यहाँ पर भोजपुर में?
ये घटना तो मैं समझ रहा हूँ कि जो हमारा एक परिवार दोनों कम्युनिटी मिल के रहता है, आज तक कोई पहले ऐसा कभी नहीं चलता। दोनों कम्युनिटी हम आपस में बहुत बड़ी भाईचारे से रहते हैं, लेकिन कुछ हमारे समाज में दोनों तरफ से ही कुछ इस तरह के मतलब जो है एक असामाजिक तत्व पैदा हो गए हैं जो एक भाईचारे को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। छोटी छोटी बात को लेकर के आए दिन मतलब झगड़े करते रहते हैं। पुलिस प्रशासन भी बराबर हेल्प कर रहा है, जब भी चाहता है पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट करो तो पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई भी करता है उसके लिए। अभी ये लड़के जो हैं दो मोटरसाइकिल पर, मुझे पता चला जैसे भाई ने मुझे बताया कि आपके सामने ही कि भाई ऐसे से हुआ था, तो उससे पहले भी मुझे खबर आया गाँव में कि भाई ऐसे से घर पर हमला हो गया, गोली चल रही, मैं बाल बाल बचा हूँ। आखिर इनका कुछ पता नहीं चल पा रहा कि विवाद क्या था, लेकिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा, इनका कोई जातिगत विवाद तो उनसे है नहीं, लेकिन एक खौफ का माहौल पैदा करने का उनका मैं समझ रहा हूँ कि अपनी तरफ से कुछ प्रयास रहा होगा कि अब हमसे लोग डरने लगे हैं या कुछ ऐसा एक दहशत का माहौल क्रिएट हो जाए, तो एक दोनों कम्युनिटी को ख़राब करने का माहौल मतलब ये है, मैं समझ रहा हूँ मेरी तरफ से, मेरा अपना ओपिनियन। मेरा नाम पिंटू चौधरी है, मेरा एक लड़का है जिसमें बिल्कुल भाई रात है, कभी कहीं झगड़ा करता। अभी कोई 6-7 दिन पहले मैंने एक झगड़ा हो गया था अभी, और ये पुलिस गई थी मेरे घर, पता लगा, मुझे बहुत शर्म आई इस बात की। फिर मैंने अपना लड़का लगा थाने में खुद, ये 3 लड़के लाकर थाने में साहब को दिए थे यहीं ला के, मगर साहब इन्हें मारो पीटो और मैं जेल भेज दो, है ना। तो मामला ऐसे नहीं बन पाया, इन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं करके कार्रवाई करके इन्होंने भेज दिया था। आज फिर सुबह मैं घर था तो मेरा लड़का आया सुबह भाग के, एकदम डंडा पंडा से उठाया उसने, मैं कल यार क्या हो गया, तो कह लगा मारपीट हो गई है, झगड़ा हो गया, मैं किससे है मोमन हो गया, मगर अच्छा मगर तो फिर मैं घर बैठ जा, वो नहीं बैठा, वो भाई नहीं आया, भाई नहीं आने के बाद वो गए भागे एकदम। ये 6-7 आदमी हैं लड़के, 6-7 जो गाँव में माहौल इतना माहौल ख़राब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं तो ये चाहूँगा पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है और इनके खिलाफ। एक तरह से देखा जाए तो आप भी उन लोगों से परेशान हैं। मैं इतना परेशान हूँ, अगर मर भी जाना, अगर लड़का मेरा मर भी जा तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, ना ही मुझे दुख होगा। जैसे कि इन्होंने वहाँ पर गोली चलाई है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे इन लोगों से आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसने गोली चलाई है, जो दोषी है, पुलिस कार्रवाई करे, उन्हें जेल भेजे, लड़का मेरा हो या किसी का भी हो, हम अपनी भाई बंदी आपसदारी गाँव में नहीं बिगाड़ेंगे, बिल्कुल नहीं बिगाड़ेंगे, बस। और नहीं मैं भी लड़के के साथ ठीक है। जी क्या हुआ, कैसे क्या मामला हुआ है? देखो जी मैं तो खेत पर आया हूँ जी, अभी मेरे तो खेत खबर गई ना, ऐसे झगड़ा कर जा लड़के ने, माई ठीक है चल ले, हम तो एक सारा करो गड़ा की करो जैसे भी होती हो भाई, जब हम भी परेशान हैं सोचते खुद, अब नौकरी कर रहे 6,000 रुपये बहनते रोज इनके पीछे लगा दूसरे चौथे दिन क्या करें, माने ये ठेकेदार हमारे इनके थोड़ा नौकरी करी है खुद हमने, अब इनसे कहते हम बिगाड़ लेंगे, ये बताओ परेशान है जी हम भी। ये बहुत सम्मानित है जी सभी, और ये नहीं चाहते कि गांव में कुछ ऐसा भाईचारा मतलब हमारे दोनों मुस्लिम कम्युनिटी का भाईचारा बिगाड़ना नहीं चाहते कि हमारा गांव 400-500 साल पुराना गांव हमारा है, आज तक हमारा भाईचारा ऐसी बना है और बना ही रहेगा, हम चाहते हैं उम्मीद करते हैं अल्लाह से भगवान से, ये सब लोग हमारे साथ हैं जबकि इनके बच्चे हैं, लेकिन अपने बच्चों का फेवर नहीं कर रहे हैं, ये हमारा समाज का साथ दे रहे हैं, क्योंकि समाज में इस तरह की घटना कभी आगे होनी नहीं चाहिए। तो मैं इनका भी बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि ये लोग अपने बच्चों को छोड़ के समाज के साथ खड़े हैं, गांव के भाईचारे के साथ खड़े हैं, तो इनका भी एक बहुत बड़ा मतलब सहयोग है हमारे साथ में। ऐसा सुनने में आ रहा है जैसे बच्चे राशन लेकर आ रहे थे, उन्हें रास्ते में जाति सूचक शब्द कहकर रोका गया और उनके साथ मारपीट की गई, ऐसा मतलब मेरे को सुनने में आया है, लेकिन मैं उन लोगों से मिला नहीं हूँ उन बच्चों से अभी, लेकिन जैसे आप लोगों से किसी ने शेयर किया है तो ऐसे ही मेरे को भी सुनने में आया कि उन्हें जाति सूचक शब्द कहकर के मतलब उनको प्रताड़ित करा और उनके एक दो तो जो भी उन्होंने किया, लेकिन मैंने बच्चों से भी बात नहीं की है, मैंने जैसे आपने सुना ऐसे ही मैंने भी सुना है, तो हो सकता है कि बच्चों को जाति सूचक शब्द के साथ प्रताड़ित करा गया हो।